इस प्रजातंत्र के मंदिर में हमारी उठाने की कोशिश रही है संयुक्त विपक्ष की, कि जिस तरीके से शोर शराबे में वित्त मंत्रालय के सबसे महत्वपूर्ण विधेयक को पारित किया जा रहा है, ना कोई चर्चा, ना कोई विचार विमर्श, ना कोई विचारों का आदान प्रदान, और प्रजातंत्र को पूरी तरह से गला घोटकर एक ही शोर शराबे में जिस तरीके से आज पारित हुआ, ये हमारे प्रजातंत्र पर आज कलंक लग चुका है। हमने सदैव ये कहा है कि हम चर्चा चाहते हैं, पूरा विपक्ष एक ही मत पे इस विषय पर बोल रहा है, सारे विपक्षी दल एक साथ इसी गुहार के साथ कल स्पीकर के पास भी गए थे कि हम चाहते हैं कि चर्चा हो, लेकिन सरकार के ही सहभागी दल जब सदन के वेलमर आक में आकर शोर मनाकर पूरी तरह से संसद के कार्रवाई को तहस महस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक के फ्रॉड के विषय पर सदन के पटल पर चर्चा हो। हमने एडजर्नमेंट मोशन के आधार पर हम लोग आगे आए हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती कि सदन के सारे दलों के साथ चर्चा हो? स्पीकर महोदय ने एक बार सारे पार्टीज को बुलाया है, लेकिन सरकार और उनके पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री ने एक बार भी विपक्ष के एक भी दल के साथ चर्चा नहीं की। सदन में किस तरीके से मर्यादा के आधार पर कार्रवाई हो, अगर ये सरकार की अहंकार का उदाहरण नहीं तो क्या है? हम कई सालों से कहते आ रहे हैं कि ये चाहते हैं कि हर देशवासी का आवाज, उनका गला घोटा जाए, और ये प्रजातंत्र देशवासियों का ही एक प्रमाण है। महत्वपूर्ण बिल जिस पर विषयों पर भी बीएससी पर चर्चा हुई थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पर, कि चाहे यूथ अफेयर्स पर हो, चाहे रेलवे पर हो, चाहे अनेक विषय पर हो, इन पर चर्चा होनी चाहिए पारित होने के पहले। खतरे के बादल पूरे देश में आज मंडरा रहे हैं। कल जो सुकमा की हादसा हुई है, आज जो रक्षा मंत्रालय ने सदन पटल पर विषय रखा है कि रक्षा मंत्रालय के पास राशि काफी नहीं है मॉडर्नाइजेशन के लिए, फोर्सेस के लिए, ये सारे चिंताजनक विषय हैं। जो बेरोजगारी व्यापक है, जो आज किसान उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, त्राही त्राही की आवाज मचा रहा है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये सरकार चर्चा नहीं चाहती। ये सरकार की मिली जुली हुई भगत है कि बिल को पारित करो चर्चा के बिना, प्रजातंत्र के गला को घोटो, और इस देश में आम देशवासियों की आवाज को पूरी तरह से घुटन महसूस किया जाए। ये सरकार के ऊपर हम सीधा सीधा आरोप लगाते हैं। आज जैसा दिन देश के इतिहास में नहीं देखा गया, जब सारे विपक्ष के दल तैयार हैं चर्चा के लिए, उत्सुक हैं चर्चा के लिए। 93 के हमने ये भी कहा था, 193 अधिनियम के आधार पर वही अगर लैंग्वेज जो एडजर्नमेंट मोशन में हमने दिया है, वही आप 193 में आधारित करोगे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार की तरफ से एक भी कदम नहीं लिया गया सदन में एक माहौल तैनात करने के लिए जहां विचारों का आदान प्रदान हो पाए। तो ये आरोप ये हम सरकार पर लगाते हैं कि आज प्रजातंत्र का गला घोटा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय इस बजट सत्र में वित्तीय विधेयक पर भी एक सेकंड की चर्चा भी नहीं हुई, और पूरी तरह से प्रजातंत्र का गला घोटा गया है। देश की जनता ने ये जीता जागता हुआ प्रमाण आज टीवी चैनल्स पर देखा है। जो ये सदैव बीजेपी की सरकार की डीएनए रही है कि देश में प्रजातंत्र को क्या गला घोटा जाए, उसी का उदाहरण आज सदन के अंदर भी हमने देखा है। सर, आपको लगता है जिस तरीके से चुनाव परिणाम आ रहे हैं,
देश की जनता आज पहचान चुकी है भाजपा के जुमलेबाजी को, भाजपा के किसान विरोधी नीति को, भाजपा के नौजवान विरोधी नीति को, भाजपा की महिला विरोधी नीति को। और आज देश की जनता, आप देखते जाओ, चाहे राजस्थान के उपचुनाव रहे हों, चाहे मध्य प्रदेश के उपचुनाव रहे हों, चाहे अब उत्तर प्रदेश और बिहार के उपचुनाव रहे हों, बदलाव आ चुका है। देश की जनता जागरूक है और वो दिन दूर नहीं जहां इस भाजपा सरकार की रवानगी देश की जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बायपोल, द रिजल्ट्स ऑफ द बायपोल क्लियरली इंडिकेट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, वेदर इट इज राजस्थान, वेदर इट इज मध्य प्रदेश, वेदर इट इज उत्तर प्रदेश, वेदर इट इज बिहार, दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव नाउ spoken against the anti-farmer rule of this government, spoken against the anti-youth, the unemployment that is rampant in our country, spoken against the anti-women rule of this government. And it is very clear that the door to this BJP government is being shown by the people of our great country. हमने सदैव कहा है कि प्रजातंत्र का अगर सम्मान करना है तो ये सदन में हम सब लोगों को क्यों यहाँ मौका दिया गया है, देश की जनता ने, कि आदान प्रदान विचारों का हो, चर्चा हो। लेकिन आज ये स्पष्ट है कि सरकार ही ये सदन को खंडित कर रही है, सरकार ही इस प्रजातंत्र के स्तंभ को खंडित कर रही है। और ये सरकार की पूरी तरह से षड्यंत्र है, ये आरोप हम सरकार के ऊपर लगाना चाहते हैं।